एक मजेदार चाय के साथ आज हम क्यों ना बात करें चाय के बारे में, जो हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप कभी चाय के इतिहास के बारे में सोचते हैं? जी हाँ, चाय का भी अपना एक इतिहास है जो चीन से शुरू हुआ था, जहाँ इसे आयुर्वेदिक उपचार के रूप में उपयोग किया जाता था। फिर यह भारत में पहुंचा और बहुत पसंद किया गया। बात करें चाय की खेती की शुरुआत के बारे में, तो भारत में 2737 ईसा पूर्व को चीनी इंपीरियल एम्पायर शेनांग ने की थी। चाय के अपने जहां फायदे हैं, वहीं चाय के नुकसान भी बहुत हैं, लेकिन उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना चाय के रोचक तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। दरअसल चाय भारत में लगभग 5000 साल पहले आया। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। हमारे देश में साल में लगभग 1000 मिलियन किलोग्राम चाय बनाया जाता है। चाय की खेती करने से भारत में लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। और बात करें आखिर में, तो भारत में सबसे बड़ा चाय मेला असम के मुख्य शहर जोरहाट में होता है। तो चलिए अब चाय के फायदे और नुकसानों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, जो बहुत जरूरी है। फायदे की बात करें तो चाय में कैफीन के साथ साथ अन्य गुण भी होते हैं, जो हमें चुस्त और चौके रखते हैं। चाय न केवल पेय है, बल्कि ये बहुत सारी बीमारियों के इलाज में भी मददगार हो सकती है। इसमें अद्भुत गुण होते हैं, जैसे कि पॉलीफेनॉल्स, जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि अधिक चाय पीने से नींद की समस्याएं हो सकती हैं और दांतों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। चाय का सेवन करते समय सावधानी बरतें, सही मात्रा में ही पिएं, ताकि आपको इसके फायदे हों और नुकसान से बचा जा सके। तो चलिए फिर इसी बात पर मैं भी आप सब इजाजत लेती हूँ और सावधानी से चाय का आनंद लेती हूँ। धन्यवाद।